ये हमारा मैन होल कवर टेस्ट एपरेटस मशीन डिजिटल टाइप। ये हमारा डिस्प्ले यूनिट है। ये हमारा पंपिंग यूनिट है। ये मशीन की बैक साइड, ये दो हमारे पाइप लगे हुए अप डाउन के लिए। इधर सेंसर्स भी लगा है। या फिर हमने फ्रेम सेट कर दिया इधर। ये हमारा कवर है। एनी वे टच करोगे तो हमारा ये 500 किलोमीटर टेस्ट रहेगा। इसमें दो टेस्ट रहेंगे, परमानेंट सेट टेस्ट और लोड टेस्ट। जो परमानेंट सेट टेस्ट रहेगा वो हमारा उसमें 2/3 लोड अप्लाई करना रहेगा, तो हम पहले वो करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो स्टार्ट टेस्ट, इधर आपका आ जाएगा एक्चुअल लोड, पीक लोड, परमानेंट सेट, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट शो करेगा ये वाला, और ये हमारा ट्रिप वैल्यू है। इधर ये हमारा बटन दिया हुआ है यहाँ से टायर करने के लिए, और डाउन अप, ये डाउन बटन दबाओगे तो जो हमारा प्लंजर है वो डाउन आएगा, ये अप दबाओगे तो अप आएगा। और ये हमारा रेट ऑफ लोडिंग है, यहाँ से हम आपका रेट ऑफ लोडिंग जो भी आपको अप्लाइड करना रहेगा वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ये हमारा जो टाइम, जैसे ट्रिप वैल्यू डाला है वो वहाँ ट्रिप होके हमारा जो टाइम है वो शुरू हो जाएगा। पहले हम परमानेंट सेट टेस्ट करेंगे इसमें। इसके लिए हमने जो ये हमारा परमानेंट सेट के लिए, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा जो सेंसर्स है, यहाँ से हम इसके ऊपर सेट कर देंगे। ये दो हमारा जो सेट करने के लिए है, हम इसके ऊपर कर देंगे। जो हमारा जो ये सेंसर है वो हम इसको सेंटर में रखेंगे। ये अभी हमने कवर के हिसाब से ये दोनों हमारे नॉब है स्लाइडर के से हमने सेट कर दिया, इसको लॉक कर दिया है। और ये हमने जो हमारा सेंसर है उसको हमने सेंटर में उसको सेट कर दिया है। अभी जो हमारा इनिशियल वैल्यू है ये जो रहेगा हमारा, इसको हम कर देंगे टायर। अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। ये अभी हमने सैंपल सेट कर दिया है। ये हमारा गास्केट स्विच, इसके ऊपर एक हमने डिस्क रखा है। यहाँ से हम डाउन अप करें, डाउन करेंगे तो ये यहाँ से नीचे मूव होगा, हमारा प्रेशर जनरेट होगा। ये जो हमारा कवर है वो 10 टन का है, 100 किलो न्यूटन का। तो हम अभी परमानेंट सेट रहेगा तो हमारा जो हम ये परमानेंट सेट टेस्ट करेंगे तो इसमें जो हमारा लोड रहेगा वो 2/3 लोड अप्लाइड करना रहेगा। तो हमारा जो ये 10 टन का है, मतलब 100 किलो न्यूटन, तो हमारा जो 2/3 लोड हुआ वो 66 किलो न्यूटन हुआ। तो अभी हमने ट्रिप वैल्यू 66 डाल दिया है। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से डाउन दबा। ये हमारा इंडिकेशन है, ये मेंस का, ये मोटर का। जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये इंडिकेशन हमारा ऑन हो जाएगा। और ये इमरजेंसी बटन, इंडिकेशन इमरजेंसी में इसको पुश कर सकते हो। अब यहाँ से हम वाल इसको लॉक कर देंगे, यहाँ से प्रेशर जनरेट करेंगे। इसको प्रेशर जनरेट करेंगे तो ये हमारा वाल है, ये हमारा जो नीचे आ रहा है अभी। ये टच होने वाला है। हमारा रीडिंग स्टार्ट हो गई।
हमारा 66 जो हमने ट्रिप वैल्यू डाला है वहाँ पर हमारा मशीन स्टॉप हो गया है। इधर हमारा एक टाइमर शुरू हो गया है, ये 30 सेकंड तक हमारा टाइमर चलेगा, फिर उसके बाद हमको अप बटन दबाना है तो ये रिलीज हो जाएगी। ऐसे हम परमानेंट सेट में ऐसी 5 साइकिल हमको करना रहेगा। ये 30 सेकंड्स हो गए हैं, अभी वहाँ से हम अप बटन दबाएंगे। ये भी हमारा अप हो गया है, ये हमारा 5th साइकिल है, ये टच होने वाला है। अभी हमारा लूट शुरू हो गया, ये हमारा 5th बार 2/3 लोड अप्लाइड कर दिया है हमने। इसके बाद हम इसको निकाल के इसका पेनेट्रेशन जो हमारा परमानेंट सेट वो चेक करेंगे कितना आ रहा है अभी। ये अभी हमारा फाइनल पेनेट्रेशन रहेगा परमानेंट सेट, ये फिर से हमने वही कंडीशन में हमने सेट कर दिया है। ये हमारा परमानेंट सेट अभी इतना आ रहा है 0.53 mm में। ये जो हमारा इनिशियल और फाइनल रहेगा वो 1/100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब पॉइंट हमारा जो ये साइज़ है हमारा 800x800 हमारा जो उसका हुआ 0.8 mm, तो ये भी हमारा 0.5 आ रहा है। अभी इसका हम लोड टेस्ट करेंगे, अभी हम इसका लोड टेस्ट करेंगे। जो हमारा इसका लोड है 10 टन, तो अभी हम 10 टन तक उसका प्रेशर जनरेट करेंगे और चेक करेंगे कि उसमें कहीं क्रैक वगैरह है कि नहीं है। अभी हम इसमें लोड टेस्ट करेंगे, अभी हमने फिर से वो सैंपल सेट कर दिया है, तो हमारा जो ट्रिप वैल्यू रहेगा वो अभी हमारा रहेगा 100 किलोमीटर, क्योंकि हमने 10 टन का ही कैपेसिटी है, तो हम उसका मैक्सिमम लोड इसमें अप्लाइड करेंगे। हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी तक हमारा ने लोड अप्लाइड कर दिया है, तो 30 सेकंड तक अभी होल्ड रहेगा, उसके बाद रिलीज़ करके हम उसमें चेक करेंगे कि क्रैक्स वगैरह कितनी गिरी है, वो सब चेक करेंगे।
अभी 30 सेकंड्स हो गए, अभी हम इसका प्रेशर हम रिलीज़ करेंगे। ये हमारा फुल्ली अप हो गया, अभी इसके हम देखेंगे। अभी इसमें क्रैक्स गिर गए अभी ये सब। ये हमारा मैन होल कवर टेस्ट अपैरेटस डिजिटल टाइप।